हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक लेके आया आप लोग के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाल कैसे बनाया जाता है। सिंपल सी एक चक्की से, जो आप चक्की लगा के रखे हैं उसी चक्की से दाल कैसे बना सकते हैं, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ भी जानकारी हो तो हमारे चैनल पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं जो हर तरह का पिसाई से संबंधित, या फिर दाल से संबंधित, या फिर पिराई से संबंधित, या फिर मशीन रिपेयरिंग का संबंधित कोई भी वीडियो होगा तो आप लोग को अगर देखना हो और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे कि सिंपल एक जो चक्की होती है हमारी, जिससे आप आटा पीसते हैं, उसी चक्की से दाल कैसे बना सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसे दाल घर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं आप लोग को। हमने दाल इसमें डाल चुके हैं होपर में। ये देखिए, ये दाल डाला हुआ है। ये छोटा दाना और बड़ा दाना दोनों तरह का दाल है। इसको उड़द हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके हम दाल बनाने वाले हैं तो एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपल सा टिप्स है कि अगर आप जो पिसाई कर रहे हैं, जिस चाप के साथ जिस दाब में पिसाई कर रहे हैं, उसके बाद ये दाब जो देख रहे हैं आप, इसको देखिए हमने मार्किंग करके रखे हुए हैं। ये मार्क इसलिए करके रखा हुआ है ताकि ये जो घुमाते हैं, कभी घुमाएं हम तो हमको मालूम पड़े कि हम कितना घुमाए हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, जितना पे आपको पिसाई हो रहा है उससे एक बार या फिर दो बार जैसा दाना रहे। अगर दाना छोटा है तो एक बार, अगर दाना बड़ा है तो दो बार ऐसा करके घुमा देना है बैक, ताकि आपका जो पत्थर हो वो इस साइड आ जाए, बीच में गैप बन जाए। और बीच में जब जितना गैप बन जाएगा उसके बाद जो दाल है, आप सिंपल से तरीके से दाल खोल दीजिए इसको और दाल आप सीधा जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेटिंग करके रखे थे दोस्तों, तो हमने सीधा चालू कर दिया। ये देखिए, ये देख सकते हैं इतना इजी तरीके से दाल बन जाता है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा सफाई करने की जरूरत रहती है। आपके पास अगर होलर हो, जो धान जिससे धान कुटाई की जाती है, अगर वो होलर होगा तो होलर में डाल करके इसकी सफाई कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को डायरेक्ट छोड़ दीजिए, वो अपने खुद ब खुद साफ कर लेंगे। और भी हमने बहुत सारा दाल बना रखे हैं। ये देखिए, इसको हमारे यहाँ घांगरा बोला जाता है, हमने इसका दाल बनाया है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ये भी उड़द का बना के रखे हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से दाल बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ सिंपल सा तरीका से जिस चक्की में आप पिसाई करते हैं उसी चक्की में दाल भी बना सकते हैं और थोड़ा मुनाफा, अपना जो मुनाफा है वो बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।